स्नेक को इंग्लिश में कहा जाता है मोनोसेलेट कोबरा या मोनोसेलेट कोबरा। इसका वेनम देख रहे हैं, पैर में देखिए वेनम अपना स्प्रे किया अभी, जो ये जो वेनम है ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। अगर ये वेनम अगर आंख में गिरता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंकिम स्नैक सेवर। बंकिम स्नैक सेवर में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आया हूं अभी बामनगोला ब्लॉक जो है मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, मालदा से 55 किलोमीटर दूर ये कड़ियापाड़ा बोल के एक जगह है और मेरा घर से ये लगभग 72 किलोमीटर शोभानगर से। तो यहाँ पर एक जो मछली पकड़ने का जो ये होता है, यहाँ पर जो पिंजरा होता है वहाँ पर एक बिग साइज का मोनोकुलेट कोबरा घुस गया है, जिसको बंगाली में केवटे या हिंदी में चंद्रनाग बोलता है। मैं उसको रेस्क्यू करता हूँ सेफली एंड रेस्क्यू के बाद आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। देख पा रहे हो बिग साइज का स्नेक है। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ये स्नेक जो है काफी बिग साइज का है, जिसको इंग्लिश में मोनोकुलेट कोबरा या मोनोसेलेट कोबरा बोलता है। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं मोनोसेलेट कोबरा ये कभी कभी अपना वेनम जो होता है वेनम भी स्प्रिट करता है, तो मुझे बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा एंड सेफली रेस्क्यू करना पड़ेगा। কিন্তু এটা থেকে এটা তো কাটতেই হবে, উপায় নিচে দিকে দাও আর কিছু আছে নেই এক কাছে তো দেও না। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं वेरी बिग साइज का मोनोसेलेट कोबरा। मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये जो स्नेक आप देख पा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, ये स्नेक को इंग्लिश में कहा जाता है मोनोकुलेट कोबरा या मोनोसेलेट कोबरा। इसका साइंटिफिक जो नाम है नाजा कोतिया है, साइंटिफिक नाम नाजा कोतिया है। ये अपना वेनम स्प्रे करता है कभी कभी, तो मुझे भी सावधानी से रहना पड़ेगा। जैसे इंडिया में यही एक सांप है जो अपना वेनम जो है स्प्रिट कर सकता है, अगर आंख में गिर जाएगा तो काफी प्रॉब्लम आ सकता है। और ये स्नेक को बंगाली में कहा जाता है केवटे सांप, हाँ, या मछुआ नाग, मछुआ नाग नाम से जाना जाता है बंगाली में। एंड हिंदी में यही सांप को बोलता है चंद्रनाग सांप। देख पा रहे हैं हिंदी में चंद्रनाग बोलता है या काला नाग बोलता है हिंदी में, बहुत जगह में काला नाग भी बोलता है, क्योंकि इसका बॉडी में है ब्लैक कलर होता है। और इसका हुड का पीछे ध्यान से देखिए आप, ये जो हुड है, ये जो है फन, अपना फन जो उठाएगा ना, यहाँ पर एक गोल चिन्ह है, इसीलिए इसको चंद्रनाग बोलता है, चांद जैसा एक गोल चिन्ह है, इसलिए बंगाली में पोद्दो गोखरो भी बोला जाता है इसको। ये हाईली वेनमस है, इसका वेनम जो है न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब नर्व विष। कोई भी सांप इंसान को भगाकर नहीं बाइट करता है, अगर इसका बॉडी में कोई पैर देता है तभी ये सेल्फ डिफेंस में बाइट करता है। और ये नेचर का एक हिस्सा है फ्रेंड्स, और रेस्क्यूअर को सेफली रेस्क्यू करना है। देख पा रहे हैं वो अपना डराने के लिए कोशिश कर रहा है, मैं सेफ्टी सूट पहना हूँ। ऐसा सिचुएशन में बहुत सा पब्लिक जो है वो डर जाता है या सांप
इसको मार देता है, मारना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये नेचर का हिस्सा है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग भी सेफ नहीं रह पाएंगे। ये काफी हेल्दी है। इसका वेनम देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका देख रहे हैं, इसका पैर में देखिए वेनम अपना स्प्रे किया अभी। जो ये जो वेनम है ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। अगर ये वेनम अगर आंख में गिरता है तो प्रॉब्लम आ सकता है, देख पा रहे हैं आप। इसीलिए सेफ्टी हर रेस्क्यूअर को सेफ्टी सूट पहनना चाहिए, क्योंकि बाइट किसी भी वक्त हो सकता है। ओझा तांत्रिक के पास जाने से मरना होगा। नजदीक का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाना है। हॉस्पिटल में स्नेक वेनम एंटी सीरम मिलता है, उसी एंटी वेनम से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका देख रहे हैं एक्टिविटी। सपेला लोग जो बोलता है बीन में सांप नाचता है, ऐसा कभी नहीं होता है। बीन में कभी नहीं नाचता है, देख पा रहे हैं वो, उसका सामने में जो भी कुछ हिलेगा उसी से वो अपना एक्टिविटी करता है। ये जब गुस्सा होता है तभी ये अपना किसी को बाइट करता है। ऐसे नॉर्मल इसका बाइट का नेचर कोई भी सांप का नहीं है। बहुत इंसान बोलता है कि सांप जो है भगाकर या दौड़ाकर बाइट करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। स्नेक कभी भी इंसान को भगाता नहीं है या दौड़ाकर बाइट नहीं करता है, देख पा रहे हैं। इसका लेंथ होगा अप्रोक्स 5 फीट से ज्यादा है, कम नहीं होगा। काफी हेल्दी भी है ये सांप। ये जो नेचर होता है फ्रेंड्स, स्नेक जो है जो ये अपना वेनम को वेस्ट नहीं करना चाहता है। ये जो देख पा रहे हैं ये जो मुद्रा है इसको डराने के लिए कोशिश करता है, डराने के लिए, देख पा रहे हैं। माने अपना ये पहले फन उठाकर ऐसे जो कोई भी इसका नजदीक आने का कोशिश करता है तभी ये डराने के लिए ऐसा करता है। स्नेक बाइट होने से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दवाई मिलता है उसको स्नेक वेनम एंटी सीरम एबीएस बोलता है, उसी से इलाज होगा। वही तो तभी इंसान बच पाएगा। ओझा तांत्रिक के पास जाकर बहुत इंसान मर जाता है, कभी भी ओझा तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्नेक मैं जो पकड़ रहा हूँ अगर मुझे भी मिस्टेकली बाइट करेगा तो मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान से रखिए। और मैं इसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, जो बामुन गोला ना, बामुन गोला ब्लॉक के अंडर में आता है, कड़ियापाड़ा एक एरिया है, तो इसी से मैं इसको सेफली रेस्क्यू कर रहा हूँ। इसको नेचुरल प्लेस में रिलीज कर दिया जाएगा, देख पा रहे हैं। मोनोसलेट कोबरा या चंद्रनाग, तो साइंटिफिक नाम है नाजा कौतिया है। मैं इसको सेफली रेस्क्यू करता हूँ, देखता हूँ। डॉक्यूमेंट्री के लिए इसका वेट देखना जरूरी है। ये बैग का वजन है 120 ग्राम, इसको माइनस हो जाएगा वो। इसका टोटल वेट आ रहा है 1 kg 250 ग्राम, इससे माइनस हो जाएगा तुम्हारा 120 ग्राम, तो माने 1 kg 130 ग्राम इसका वेट होता है। ये हेल्थ इसका, इसका लेंथ हिसाब से इसका हेल्थ जो है ठीक है, देख पा रहे हैं इसका वेट 120 ग्राम। ये बैग का वेट था और इसमें टोटल वेट आया 1 kg 250 ग्राम। इसको मैं आप सेफली इसको जो जार में रेस्क्यू करता हूँ।
फ्रेंड्स, ये जो जार देख पा रहे हैं इसमें ऑक्सीजन के लिए काफी चार फुल बॉडी में ऑक्सीजन के लिए छेद किया हुआ है। ये आसानी से ऑक्सीजन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और मैं भी सेफ रहूंगा कि उसकी ये थैला जो है डायरेक्टली अगर वो बैग में मैं रखता हूँ तो मेरा भी खतरा है, अगर किसी भी टाइम हाथ देता हूँ बैग के अंदर से भी बाइट कर सकता है। और ये सेफ्टी के लिए कंटेनर बिग साइज का यूज करना चाहिए। ए के चुप चाप।